हेलो स्टूडेंट्स, साना साना हाथ जोड़ी पाठ का प्रथम अवतरण इसकी पहले की प्रस्तुति में दी जा चुकी है। मधु काकरिया द्वारा लिखा गया यह यात्रा वृत्तांत उस वीडियो के आगे का अवतरण इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। लेखिका आगे लिखती हैं, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता का मतलब धीरे धीरे वो हिमालय की यात्रा की ओर बढ़ने लगी। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छोड़ने लगे। बाजारें भी पीछे छोड़ने लगी, लोग भी पीछे छोड़ने लगे और घाटियों में जो बस्तियां थी वह भी पीछे छोड़ने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते, परिदृश्य का मतलब उस वातावरण से चलते चलते, वह चारों ओर जो दृश्य था, जो बाजार थी, जो लोग थे, जो बस्तियां थी, उससे आगे बाहर निकलते निकलते चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओछल हो रहे थे। ओछल होने का मतलब इससे तात्पर्य है कि वो अदृश्य हो रहे थे, क्योंकि अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो पीछे का रास्ता ओछल हो रहा था, पीछे के दृश्य ओछल हो रहे थे, पीछे की चीजें धीरे 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 कर करके क्रमशः छिपती जा रही थी, ओझल हो रहे थे। आगे लेखिका कहती हैं, अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह छोटे छोटे पेड़ पौधों के बीच दिखाई दे रहे थे घर, जैसे ताश के पत्तों के घरों जैसे छोटे छोटे घरों, जब वो ऊंचाई से नीचे देख रही थी। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट वैभव के साथ सामने आने वाले था। हिमालय जो अभी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई दे रहा था, अब वह उस रूप में नहीं, अपने विराट रूप में सामने आने वाला था, अपने विस्तृत सौंदर्य, अपने विस्तृत पराकाष्ठा में सामने आने वाला था। उसकी सौंदर्य की परिपूर्णता दिखने वाली थी, सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, न जाने कितने लोगों की अभिलाषा है कि हिमालय को एक बार देखें। ऐसी कामना जिसके लिए की जाती है, ऐसा हिमालय उसको देखने के लिए लेखिका के मन में उत्कट अभिलाषा थी, मन में एक हलचल सी हो रही थी। हिमालय का वह विराट सौंदर्य कैसा होगा और यह हिमालय कैसा है, लेखिका आगे लिखती है, पल पल परिवर्तित होता हिमालय, अनेक अनेक रंगों में दिखाई देता हिमालय, अनेक अनेक रूप में दिखाई देता हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। रास्ते घुमावदार, जलेबी की तरह, जब हम पर्वत की यात्रा पर निकालते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं तो यात्री सक्रिय, ये रास्ते सकरे होने लगते हैं, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगते हैं से, और डगर छोटी होने लगती है। डगर छोटी कहने का तात्पर्य सकरी होने लगती है। हिमालय, आगे लेखिका कहती है, हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। हिमालय धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ने लगा, विशाल काय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी हिमालय की। जब ऊंचाई पर वो चढ़ने लगे, आगे उनकी गाड़ी बढ़ने लगी, जब वो नीचे की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल जमीन पर आ गए हैं। वादियां चौड़ी होने लगी, घाटियां दूर तक दिखने लगी। वादियां चौड़ी होने का मतलब जब वो ऊंचाई से देखती हैं तो दूर दूर तक घाटियों में बिखरी हुई दृश्य दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाए, वो झुग्गी झोपड़ियां दिखाई देते हैं, घर दिखाई देते हैं, वहां की प्रकृति दिखाई देती है, एक पूरा विस्तृत परिदृश्य दिखाई देता है। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते, लेखिका कह रही है, उन अनगण रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम सघन हरियाली वाली किसी गुफा में आ गए हो। और उस गुफा के बीच से उनकी जीभ हिचकोले खाते हुए निकल रही थी। हिचकोले खाते हुए इसलिए क्योंकि रास्ता समतल नहीं था, अनगण था, क्योंकि यह पर्वतीय रास्ता था। आगे लेखिका कहती है, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यूं प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम करके गाने लगे, सुहाना शहर और ये मंजिल हसी। उस परि
हिमालय के पर्वतीय सौंदर्य को देख करके इनको यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके हृदय के तार बज उठे, जैसे कोई वीणा बज उठी, हृदय से गीत उठने लगा। उस सौंदर्य का गीतों में अनुवाद होने लगा। वह था सुहाना सफर और मौसम हसीन। आगे वो वर्णन करते हुए लिखती हैं कि पर मैं किसी ऋषि की तरह शांत थी, मैं मौन थी, मैं चाहती थी इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, इस सारे परिदृश्य को, इस सारे सौंदर्य को, हिमालय के विहंगम सौंदर्य को, हिमालय के विस्तृत सौंदर्य को, अतुलनीय सौंदर्य को वह अपने हृदय में समो लेना चाहती थी, अपनी अनुभूतियों में उतार लेना चाहती थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। वर्षों से जो संवेदना सौंदर्य के प्रति जो जम गई थी, वह संवेदना बर्फ की तरह बूंद बूंद करके पिघलने लगी। जीप की खिड़की से मुड़की निकाल निकाल करके मैं कभी आसमान को छूते पर्वत के शिखर को देखती। वो जीप की खिड़की से बाहर अपने सर को निकाल करके बिखरे हुए हिमालय के सौंदर्य को देखती, तो कभी आसमान को देखती और कभी उस परिदृश्य को देखती, पेड़ पौधों के सौंदर्य को देखती, प्रकृति के सौंदर्य को देखती। इस तरह से वह सारे परिदृश्य को अपनी अनुभूतियों में ग्रहण करते हुए जा रही थी। वह आगे बढ़ रही थी और कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को भी देखती। पर्वत की ऊंचाई से, हिमालय की ऊंचाई से झरने नीचे की ओर उतर रहे थे, तो कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच अपनी चमक दिखाती हुई, अपने सौंदर्य को, झलक को दिखाती हुई बहती हुई चांदी की तरह निर्मल तिस्ता नदी को। आगे लेखिका कहती हैं कि यह नदी सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी, लेकिन यहां उसका सौंदर्य पराकाश पर था। यहां वह अपने चरम सौंदर्य पर थी, यहां वह अपनी चरम उत्फुल्लता पर थी, यहां वह पूरी तरह से असीम सौंदर्य उसका जैसे दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था। लेखिका आगे कहती हैं कि ऐसी खूबसूरत नदी को, तिस्ता नदी को देख करके वो अपनी अनुभूति को व्यक्त करती हैं, कहती हैं ऐसी खूबसूरत नदी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मैंने ऐसी नदी पहली बार देखी, मैं रोमांचित थी, आनंद से भरी हुई थी, मेरी संवेदना बूंद बूंद करके पिघल रही थी, मैं पुलकित थी, आनंदित थी उस नदी को देख करके। ऐसी सुंदर नदी, निर्मल नदी मैंने कभी नहीं देखी थी। चिड़िया की किसी पंख की तरह मैं हल्की थी, उस सौंदर्य के आकाश में जैसे उड़ रही थी। और हिमालय को देख करके लेखिका कहती है, हिमालय के विराट सौंदर्य को अपनी अनुभूति में ग्रहण करके वो अभिव्यक्ति देती हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल। एक गीत सा उठने लगता है उनके हृदय से, हिमालय की श्रद्धा में, हिमालय की कृतज्ञता में, क्योंकि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ, सदियों से भारत की रक्षा कर रहा है, इसलिए लेखिका ने सलामी देनी चाहिए। जगह पर जीप एक जगह पर रुकी आगे जाकर के, और उस जगह का नाम था सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल, एक सुंदर झरना बह रहा था, हिमालय के शिखरों से नीचे उतर रहा था। उस सुंदर झरने को देख करके सारे सैलानी उस सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मशगूल हो गए। सभी ये चाहते थे कि इस सुंदर परिदृश्य को, इस वातावरण को, झरने के इस लावण्य को सदा सदा के लिए वो अपने साथ अपने कैमरे के माध्यम से कैद करके ले जाए। तो बच्चों, ये रहा साना साना हाथ जोड़ी का द्वितीय अवतरण। इसकी अगली प्रस्तुति, अगली व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।